Hello, my name is Madhuri Singh and I have 12 year experience in this field. My company name is Madhuri Singh Designs and we do both residential and commercial project. This is one of the commercial projects we are going to showcase today. So hume hamare client se brief mila tha ki jo restaurant hai wo Japanese traditional theme pe hona chahiye. और हमारे जो जापनीज़ इंडिया में रह रहे हैं स्पेशली NCR में उनके लिए हम लोगों ने ये प्लान किया. यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल स्टाइल में की हैं. उसमें हमने पाइन वुड को यूज़ किया है. स्पेशली ततामी रूम्स हमने यहाँ बनाया है विद सुशी कन्वेयर बेल्ट. सो दिस इज़ नागोमी. आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हमने प्लान की है राइट फ्रॉम द बार टू आवर वॉल्स. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बार. बेसिकली इट्स अ मॉडर्न बार बट हमें इसमें ट्रेडिशनल टच भी देना था. तो हमने यहाँ पे एक्सटीरियर में पाइन वुड यूज़ किया है और हमने ये जो शेप है जो कल्चर से हमें काफ़ी कनेक्ट करता है हमने ऊपर ये स्टाइल यहाँ पे क्रिएट किया है और अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉपर बार. इसके साथ साथ हमें एक छोटा काउंटर भी प्लान करना था. दिस इज दे वी कॉल इट बार फॉर यू नो mocktails and soft drinks. Just next to this we have created tatami rooms and this follows a traditional sitting style. Hamare client se hame brief mila tha ki traditional style ke liye hame tatami rooms plan karne hain. To kafi research ke baad humne yahan pe teen sitting areas plan kiye hain and yahan pe hamare paas teen rooms hain. It gives you that private space also and Japanese jo hamare yahan pe clients aate hain unko ye bahut pasand hai. They like to use it more than a normal seating. यहाँ पे भी हमने जो पाइन वुड है वो यहाँ पे भी कंटिन्यू किया है बिकॉज ये हमारा थीम का बेसिक एलिमेंट था. सो बाई यूजिंग पाइन वुड वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग द थीम हेयर. सो दिस लाइट वेट कर्टन मेक्स इट मोर प्राइवेट. हमारा एक बहुत मेजर फीचर जो इस रेस्टोरेंट में हमने ऐड किया है वो है सुशी कन्वेयर बेल्ट. इसको जापनीज में खाइतन जूसी भी कहते हैं. ये स्पेशली यूज़ होता है सुशी के लिए. यहाँ पे आप आकर अपने मन की अपने चॉइसेस के हिसाब से सुशी इन्जॉय कर सकते हैं. सो इसको हमने किचन से कनेक्ट कर दिया है. वहाँ से डायरेक्टली सुशी सर्व की जाती है. इट्स ऑल्सो अ ट्रेडिशनल स्टाइल इन जापान बिकॉज जापान में जो फैमिली डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे ये ज़रूर होता है. हमें रिसर्च के दौरान पता चला कि हमें कन्वेयर बेल्ट भी प्लान करना है. तो हमें पहले से ही इसमें जो हमने रिसर्च किया वो हमने देखा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं प्लेट साइज़ से लेके उसकी स्पीड तक क्या होगी कैसे होगी इसका बेस कैसे बनेगा. हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को ढूँढा दिल्ली NCR में एंड देन हमने उनका काम देखा. उनसे हमने काफ़ी डिस्कशन के बाद ये सैम्पल रेडी कराया. उसके बाद इसका एक बेस बना के उनको रेडी करके दिया. देन हमारे को ये फाइनल जो आउटकम है ये मिला. लकीली हमारे पास बहुत अच्छा स्पेस था जिसमें हम वैरायटी दिखा सकते थे सिटिंग स्टाइल अरेंज कर सकते थे. तो हमने एक सिटिंग ततामी रूम के अलावा नॉर्मल सिटिंग यहाँ कन्वेयर बेल्ट के पास प्लान किया सो दैट दे कैन एंजॉय दिस थिंग ऑल्सो एंड इफ दे वॉन्ट टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स दे कैन गो इनसाइड एंड एंजॉय देयर मील्स. And on the other side, same sitting हमने रखा है because ये walk-in type जो area है ये create हो गया है. Meal style, sitting style के अलावा यहाँ पे बहुत सारे elements थे जो हमें use करने थे to make it more traditional and authentic. हम लोगों ने hangings Japan से order किए. हमारे client ने ही वहाँ से ये सब manage किया और ये lamps हमने Delhi से ही भागीरथ पैलेस से जाके research करके लिए. These are hand picked and इससे हमारा जो लाइटिंग है जो लक्स है वो हमने इस तरह से बैलेंस किया कि हम अपनी मूड के हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइट यूज़ कर सकते हैं वेदर इट्स डिम लाइट लाउड लाइट और सो ऑन. हमने यहाँ पर जो फ्लोरिंग यूज़ की है ये भी हमने ट्रेडिशनल स्टाइल को माइंड में रख के की है. इट्स अ वुडन फ्लोरिंग इट्स कम्फर्टेबल. जापनीज़ को ये बहुत अच्छा लगता है एंड दे लाइक इट. और वो लोग जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि ततामी रूम्स में जब वो लोग मील लेने जाते हैं तो दे यू नो दे डोंट यूज़ फुटवेयर दे गो इनसाइड बेयर फुट एंड देन दे हैव देयर मील्स. हमारे पास स्पेस बहुत अच्छा था. यहाँ पे हमने जो सिटिंग स्टाइल रखा है जो रेगुलर सिटिंग स्टाइल है वो 100 लोगों के लिए है लगभग. और हाफ हमने कन्वेयर बेल्ट के उस तरफ दिया है हाफ हमने इस पैसेज में दिया है. यहाँ पे थीम कंटिन्यू हो रही है विद पाइन वुड बार्स एंड पाइन वुड पार्टीशन.
ऑल्सो द वुडन फ्लोरिंग इज देयर. आर्टवर्क के लिए भी हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस थे, क्योंकि जापनीज क्लाइंट को फील कराना कि वो यहाँ से कनेक्ट कर सकें, हमने आर्टवर्क भी बहुत स्पेसिफिक रखा है. इसमें आप देखेंगे कि हमने माउंट फूजी और जो टोरी स्ट्रक्चर है उनको यहाँ पे पेंट करवाया है. इस रेस्टोरेंट में तीन तरह की सीटिंग हमने प्लान की थी. फर्स्ट ततामी रूम, सेकेंड दिस रेगुलर सीटिंग जो नॉर्मल वॉकिंग सीटिंग है हमारी, थर्ड हमने पार्टी हॉल डिज़ाइन किया था. वहाँ पे जो रूम्स हैं उनको हमने सेक्शन में डिवाइड कर दिया है. देयर आर फोल्डेबल गेट्स ऑल्सो. ये काफ़ी डिफरेंट एरिया यहाँ पे प्लान किया गया है. दिस इज़ फॉर स्मॉल एंड बिग बोथ गैदरिंग्स. यहाँ पे जो पिलर्स हैं उसके साथ हमने ये फोल्डेबल गेट्स प्लान किए थे. दिस कैन बी ओपन एंड दिस कैन बी क्लोज एनी मोमेंट एनी टाइम. दीज आर वेरी कन्वीनियंट. दिस इज़ मेड ऑफ पाइन वुड ओनली. यहाँ पे भी हमने काफ़ी आर्टवर्क प्लान किया है. इफ़ यू विल सी जापनीज जो लैंडस्केप है वहाँ पे हमने वॉल्स पे शोकेस किया है. टू कीप इट मोर स्पेसिफिक एंड रिलेटेड टू जापनीज थीम हमने यहाँ पे काफ़ी स्पेसिफिक आर्टवर्क करवाया है. हमारे आर्टिस्ट ने यहाँ पे माउंट फूजी का आर्टवर्क किया है जिसकी जापान में बहुत मान्यता है. उससे नेक्स्ट आप देखेंगे जो थीम है हमारी दैट इज़ गोल्डन श्राइन. And you can also see the flowing water next to it. So we have little bit modified it and it's inspired from there only. हमने जो structures यहाँ अंदर plan किए हैं उसमें हमने lights हमारी कहीं block ना हो, view block ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा glasses use किए हैं, mirrors use किए हैं. आप देख सकते हैं कि pillar पर हमने rose gold mirror की theme दी है. इससे light का reflection भी बढ़ता है और एक openness भी नज़र आती है. And it is giving a different modern look to this specific area because this area is also called party hall. Restaurant में हमने जो theme plan किया वो हमने segregate किया, अलग अलग areas में उसको showcase किया. लेकिन जो basic utilities थी, जो हमारा area था kitchen का और bathroom का, उसमें भी हमने ध्यान रखा है कि Japanese cuisine के हिसाब से वो planned हो. तो हमारी kitchen भी इस तरह planned है जो Japanese cuisines के लिए chefs को help करती है. इनफैक्ट जो बाथरूम्स हैं दैट आर प्लान्ड इन अ वे विच इज़ यू नो सेल्फ क्लीनिंग एंड सेल्फ ड्राइंग. होल स्पेस प्रेजेंट्स अ क्लीन एंड सिंपल एटमॉस्फेयर हेयर एंड इट इज़ फार अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द टाउन. नागोमी फैमिली डाइनिंग रेस्टोरेंट डिज़ाइन करना, यहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. हमारी टीम ने इसे बहुत इंजॉय किया एंड हमें मौका मिला जापनीज़ कुजीन को, जापनीज़ ट्रेडिशन को और जापनीज़ इंटीरियर्स को और जानने का. ड्यूरिंग द रिसर्च पार्ट वी वर एक्साइटेड बिकॉज वी वर नोइंग अबाउट इट मोर एंड मोर डे बाई डे विद द हेल्प ऑफ आर क्लाइंट मिस्टर प्रकाश यादव. सो आई एम थैंकफुल प्रकाश जी ने हमारी कंपनी के साथ ये प्रोजेक्ट किया और हमने इसको सक्सेसफुली डिलीवर किया. 2 महीने से ये रेस्टोरेंट ऑपरेशनल है एंड आई एम थैंकफुल टू प्रकाश जी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम मोर. यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी क्वेरी एंड एनी डिस्कशन. वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन द फोन कॉल और यू कैन मेल अस ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो. थैंक यू सो मच. हाय, मेरा नाम प्रकाश यादव है. मैं अज्जू ग्रुप ऑफ जापनीज होटल्स का फाउंडर हूँ. अभी तक हमने इंडिया में 9 ब्रांचेज हमारी हैं होटल्स की, गुड़गावा, नीमराणा, मानेसर और गुजरात में. अभी तक हमारे पास अलग से ना जैपनीज रेस्टोरेंट नहीं था, तो लास्ट ईयर हमने प्लान करा कि हम एक ऑथेंटिक और ट्रेडिशन वाइज जैपनीज एक रेस्टोरेंट बनाया जाए. तो मैंने, हमारी डिजाइनर है माधुरी जी, उन्होंने पहले भी मेरा ऑफिस बनाया है और आगे भी मेरे साथ काम कर रही है, मेरे घर का भी डिजाइनिंग माधुरी जी कर रही हैं, उनसे मैंने डिस्कस करा जैपनीज ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशन स्टाइल में, जैपनीज कम्प्लीटली जैपनीज ट्रेडिशन में बनाने के लिए. तो उनके आइडियाज़ से हमने इसमें ततामी मैट जो जापान से इम्पोर्ट करी है, पहली बार इंडिया के अंदर ततामी मैट इम्पोर्ट हुई है. दूसरा, एक सुशी कन्वेयर बेल्ट चलती है जिसमें जैपनीज कुजिन में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है सुशी. तो हमारे पास सुशी तो है ही, बट वो कन्वेयर बेल्ट है, उसको खाईतेन जुशी बोलते हैं, वो हमने इस रेस्टोरेंट में डाला है.
तातामी मैट हमने डाला है और काफ़ी जो डिजाइनिंग और वो सब माधुरी जी ने बहुत मेहनत करके डीपली उस पर रिसर्च करके और फैमिली बार, एक जापान में छोटे बच्चों का एक फैमिली बार बोलते हैं उसको, ड्रिंक बार बोलते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा। तातामी मैट इन्होंने इम्प्लीमेंट कराई और खाइतेन जुस्सी और छोटे छोटे लैम्प्स, बहुत चीज़ें हैं जो बड़े डीपली स्टडी करके, और हमारा ये बहुत सुंदर इंडिया का पहला जैपनीज ऑथेंटिक खाइतेन जुस्सी विद ततामी ये रेस्टोरेंट हमारा बनाया है। तो इसके लिए मैं माधुरी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनके लिए बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। थैंक यू।